बड़ी खबर मुरैना के कैलारस से, जहां पर अज्ञात बदमाशों ने दंपति के साथ मारपीट की। बदमाशों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित महिला की थाने में सुनवाई नहीं हुई। महिला ने एसडीओपी को आवेदन दिया। पहाड़गढ़ थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो मुरैना के कैलारस से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अज्ञात बदमाशों ने दंपति के साथ मारपीट की। बदमाशों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित महिला की थाने में सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद महिला ने एसडीओपी को आवेदन दिया है। मुरैना के कैलारस से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अज्ञात बदमाशों ने दंपति के साथ मारपीट की। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता गजेंद्र तोमर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी गजेंद्र, अज्ञात बदमाशों के द्वारा दंपति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरा मामला है? प्रतीक्षा जी, आपको बता दें, बैरारा माता मेला लगा था, जिसमें ये दंपति दोनों दर्शन करने गए थे। माता के दर्शन करके दंपति अपने ससुराल जा रहे थे। जैसे ही रास्ते में कुछ लोग मिल गए अज्ञात बदमाश, उन्होंने इन्हें घेर लिया और पूछताछ करने लगे और इनके साथ मारपीट हुई थी। जी गजेंद्र, वही ये भी बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला की थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसने एसडीओपी को आवेदन दिया। जी, महिला का कहना ये है कि जैसे जो अज्ञात व्यक्ति से इन्होंने रास्ता रोक के इनकी मारपीट की, साथ ही उसके साथ दुष्कर्म भी किया महिला के साथ, तो महिला ने अपने दुष्कर्म होने की घटना पुलिस को बताई, जिस पर पुलिस ने दुष्कर्म की कायमी न करते हुए मारपीट की कायमी करके उनको पुलिस थाने से पहुंचा दिया। पहाड़गढ़ पुलिस थाने से घर के लिए रवाना कर दिया। तो पुलिस थाने पे जाके घर पहुंची, जैसे ही महिला, तो उन्होंने अपने घर वालों को पूरी कहानी बताई। जैसे ही फिर घर वाले और गांव वाले मिलके एसडीओपी कैलारस सुधीर कुशवाहा जी के पास पहुंचे, जहां उन्होंने आवेदन दिया। आवेदन को उन्होंने फॉरवर्ड करके पहुंचा दिया थाने पे पुनः कार्यवाही के लिए। जी प्रतीक्षा जी। जी गजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो मुरैना के कैलारस से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अज्ञात बदमाशों ने दंपति के साथ मारपीट की। बदमाशों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं पीड़ित महिला की थाने में सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते महिला ने एसडीओपी को आवेदन सौंपा।